जिसको कहते हैं ना 1 रुपए की वैल्यू भी समझता हूँ, इस चीज को समझिए 1 रुपीज की क्या वैल्यू। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू राज तिवारी ब्लॉग। तो गाइस हम और ये मॉर्निंग की ब्लॉग, तो गाइस जब फिर बर्थडे की मिलेगा अगले महीने के 8 साल के, तो गाइस मैंने बनाया है करेला। तो गाइस जब अब फिर बर्थडे के आएगा अगले महीने का 8 साल का, मैं बनूंगा 9 साल के। हाँ तू 1 साल बड़ा होगा उससे। अक्षत हाँ यार मैं बड़ा हूँ। काम तो तेरे बड़े वाले होते नहीं है, काम तो आकृति के बड़े वाले होते सारे। तो गाइस आज का ब्लॉग कर दिया है बाहर से शुरू बच्चों ने, और बच्चे बिल्कुल रेडी है स्कूल। मौसम देख लो कितना अच्छा है आज, अभी धूप नहीं निकली है, लगता है बादल से भी बने हुए, शायद बारिश हो जाएगी। मैं पहुंच चुका हूं अभी भी घर, और घर आती दिखा मैंने कि मौसम बहुत चेंज है। हाँ पुराने टाइम में आ गई दूसरी टाइम पापा का। तो गाइस अक्षत को ना लगता है मोबाइल शॉपिंग खोल के देनी पड़नी है, और मैं बताऊं तो रुक जा, मैं बात तो करने दे। तो गाइस वो थोड़ी सी गलती होगी, वो पापा मिस कॉल हो गई है, और पापा को छोड़ती हूं। बच्चा चल ठीक है। तो गाइस बाहर का जो मौसम है ना, एकदम मस्त मौसम है, थोड़ी थोड़ी बारिशों की हटी है, और अभी बादल लगे हुए, हवा चल रही है, तो मेरे को तो गर्मी का मौसम ना ज्यादा अच्छा लगता है। किस किस को गर्मी का मौसम अच्छा लगता है वही कमेंट करके बता दे। तो गाइज पीछे पूजा खाने की तैयारी कर रही है, और आज जो बच्चे थे ना वो आज अपनी छोटी बस में नहीं गए, आज वो गए थे बड़ी बस में, और उनका एक्सपीरियंस पूछते बच्चों का कैसा रहा। पूजा को पर बहुत खुशी है आज बच्चे बड़ी। हाँ, मुझे अच्छा लगा क्योंकि उसमें ना वो था, उसमें ना मतलब स्पेस था काफी। हाँ स्पेस था, स्पेस फुल थी, 2 सीट बैठी थी, सिर्फ 2 बैठे, तो फिर सीट आ जाती है बसों की है ना। हाँ। तो वो अच्छी थी, मतलब कि 2-2 मतलब कि बैठ सकते हैं, भीड़ नहीं थी ज्यादा गाड़ी में। हाँ और ये जो अपना स्कूल है ना इसमें अब बच्चे दब जाते हैं वैन में। हाँ पैर जब आपसे बगल वाला बच्चा उतर रहा है और थोड़ा सा वो बड़ा है, आप छोटे छोटे, तो कई बार पैर दब जाते हैं, इसमें पैर दबने का टेंशन। हाँ क्योंकि ये ना जो गाड़ी है वो छोटी है और ये गाड़ी बड़ी है। आके बच्चों से पूछते कि बच्चों का दिन कैसा गया है। तो आकृति आपका दिन कैसा गया बेटा? अच्छा गया। आपको बस में कैसा लगा? अच्छा लगा। और अक्षत का दिन कैसा गया? अच्छा, सुपर। सुपर, अच्छा, वैन में अच्छा लगता है कि बस में? बस। आकृति को वैन या बस? बस। तो गाइस देखा बच्चों को भी बस में जाने में बहुत मजा आया। यहाँ पे चल रही है लंच की तैयारी, और पूजा ने बना दी है मेरे लिए एक अच्छी सी चाय। चलते जरा छत पे, एक ठंडी ठंडी हवा का झोंका लेके आते। मौसम मेरे को ना बरसाती मौसम और ऐसा बादल वाला मौसम बहुत पसंद है, और इस मौसम में अगर आप कहीं पहाड़ों में हो ना तो और भी ज्यादा मजा आता है। फाइनली मैं आ चुका हूँ छत पे, और मौसम देख लो, बादल देखा कितने अच्छे बादल हुए पड़े। और गर्मियों में जब ऐसा कभी मौसम होता है ना, चाहे 1 दिन के लिए चाहे 2 दिन के लिए, मज़ा आता है, ऐसा लगता है जैसे जन्नत नीचे आ गई है। तो गाइस कई बार ना जब ऐसा मौसम हो ना, कुछ करने का मन नहीं करता, सिर्फ बैठ जाओ शांति से, बस कुदरती नज़ारे जो होते हैं ना, कुदरत के नज़ारे, ठंडी ठंडी हवाएँ, पेड़ पौधे, ये कौवे की कैकें, और ऐसी। और ये देखो अभी बाबू आ रहा है, अभी आपको बाबू से मिलाते हैं। सीधा ऊपर आ गया मेरे पीछे पीछे, 1 सेकंड के लिए मेरे को नहीं छोड़ता ये बंदा। अभी देख लो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। गाइस देख लिया आ गया ना? हाँ आ गया छत पे। तो मैंने इसका न्यू फोन बना दिया टेक्स्टर। तो गाइस जब आपको बता दूं, मेरे बाद ना मेरा अक्षत करेगा ये यूट्यूब पे, करेगा ना? हाँ यूट्यूब पे काम करेगा। तो गाइस ये फोन है टेक्स्टर का फोन। हाँ। टेक्स्टर कंपनी है, टेक्स्टर अल्ट्रा 190। लो आपको सारी कंपनियां बता देगा बाबू, खास करके फोन की। गाइस मैंने अपने पिछले ब्लॉग्स में बहुत बार आप लोगों को बोला है कि मेरा कोई भी मतलब बैकग्राउंड नहीं है किससे, सोशल मीडिया से। तो जैसे कि ना मैं कभी इंस्टाग्राम, ना पहले जो चलता टिकटॉक, ना यूट्यूब। तो कई बार मैं सोचता हूँ कि मैं इतने महीने से, यानी कि मेरे को 8 मंथ हो गया है यूट्यूब पे काम करते, क्या मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, इतना कुछ कर रहा हूँ, क्या कभी ऐसा होगा कि यूट्यूब पे मेरी भी वीडियो वायरल होगी, और जो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ उसका फल मेरे को भी मिलेगा। ये चीज़ें ना कई बार मन को बहुत ज़्यादा अपसेट कर देती है, सोच पर पड़ जाता है इंसान। मेरे को लगता है जो भी यूट्यूबर नए हैं ना जो मेहनत कर रहे हैं, वो भी यही चीज़ सोचते होंगे। लेकिन पता क्या, मेरा तो चलो परिवार का खर्चा चल जाता है क्योंकि मैं जॉब करता हूँ, लेकिन जॉब करने के बाद जब मैं घर पे आता हूँ ना, तो आप यकीन मानिए शरीर पता क्या मांगता है, रेस्ट, कि सो जा। लेकिन मैं नहीं सो सकता कि
क्यों? क्योंकि मेरे को होता है कि मैंने YouTube पे काम करना है, पहले वीडियो बनाऊंगा, कोशिश होती है कि अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊं, आपसे अच्छी से अच्छी बातें करें और फिर उसको वीडियो को एडिट करूं और उसके बाद आप तक पहुंचाऊं। इन सब चीज़ों में ना टाइम भी जाता है और मेहनत भी लगती है ना, लेकिन मैं सोचता रहता हूँ इस चीज़ को लेके, पता नहीं यार क्यों कि कभी होगा या नहीं होगा। तो लेकिन अगर आप सभी मेरा साथ दोगे ना और आप अगर सभी मेरे को प्यार दोगे ना तो शायद ये भी चीज़ हो जाए, एक ना एक दिन हो जाए। बस एक यूट्यूब और एक आप, ये दो ही इंसान हैं मेरी लाइफ में जो मेरी ज़िंदगी को ना मतलब चेंज कर सकते हैं। और मैं बताऊँ, मैंने देखा मैं और क्या कर सकता हूँ। कई बार होता ना इंसान को, बल्कि ये मोटिवेशन की बात है, जॉब मैं कर रहा हूँ, खर्चा मेरा चल रहा है, रोटी पानी चल रहा है, बट मेरे को था कि हम भी कुछ एक अच्छी लाइफ को और अच्छी लाइफ में बदलें अपने परिवार के प्रति। और कुछ अक्षत का आपको पता ही है, क्योंकि जिसने शायद मेरा फर्स्ट ब्लॉग देखा ना, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अक्षत जो है ना उसी की वजह से मैंने ब्लॉगिंग शुरू की है। और वो क्यों शुरू की है वो आप बाकी ब्लॉग देखेंगे आपको पता लग जाएगा। और मतलब ये चीज़ चाहता था मैं कि मेरी भी लाइफ में कुछ चेंजिंग। फिर मैंने सोचा मैं क्या करूँ, क्या बाहर जाके प्राइवेट काम करूँ शाम को, या मैं जिम इंस्ट्रक्टर लग जाऊँ, कुछ उनको बताने लग जाऊँ। ये सारी चीज़ें काफ़ी चीज़ें सोचने के बाद मेरे को लगा कि नहीं, ये चीज़ें शायद मेरे लिए नहीं है। मेरे को फिर एक दिन जब मैंने ऐसे ब्लॉग देखे, बहुत ही परिचित ब्लॉगर हैं जैसे कि सौरभ जोशी हो गया और पारस ठकराल हो गया, इनके देखे मैं, क्या फैमिली ब्लॉग है और ये चीज़ शायद मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को अपने आप पे इतना विश्वास है, कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकता हूँ ये चीज़। तो मैंने शुरू कर दी ब्लॉगिंग। तो फिर क्या हुआ, जब मैं ब्लॉगिंग कर रहा था तो फिर करते करते, बल्कि जब इतना टाइम हो गया तो अब मन ना कई बार ख़राब होता है, टूटता है कि यार क्या होगा कि नहीं होगा जो मैं इतना टाइम ख़राब कर रहा हूँ। तो मतलब वही चीज़ ना माइंड में चलती रहती है कि यार होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, लेकिन जो भी होगा ना आपको तो पता लग ही जाएगा। जैसे कि अगर मेरे आगे जाके ब्लॉग चलेंगे, कुछ भी होगा, तो फिर आगे से आगे मैं मोटिवेशन वीडियो लगाऊँ, फिर उसमें बताऊँगा अपने बारे में भी कि मैं क्या हूँ, क्या करता हूँ, कैसे मेरी मतलब कि बैक लाइफ थी, क्योंकि अभी तो मेरे को कोई भी नहीं जानता। जैसे कि कई मैंने देखा टिकटॉक में वायरल हुए हैं, कई कैसे वायरल हुए हैं, है ना, उन सब की लाइफ को आप जानना चाहते हो, लेकिन मेरे में ऐसा क्या है जो मतलब, लेकिन मेरे को आम को भी खास अगर आप बनाओगे ना तो मेरी लाइफ में भी काफ़ी रोमांचिक चीज़ें हुई हैं, तो वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। जैसे कि कह सकते कि एक छोटी सी मिसाल दे के बताऊँगा कि मैं जिसको कहते ना एक रुपये की वैल्यू भी समझता हूँ, इस चीज़ को आप समझिए, वन रुपीज़ की क्या वैल्यू होती है ना, वो मेरे से पूछिए, मेरे को मालूम उसके बारे में। तो ये चीज़ें जो है ना मायने रखती है ज़िंदगी में। तो प्लीज़ अगर आप तक मेरे वीडियो पहुँचते ना तो यार सपोर्ट कीजिए, कुछ नहीं जाएगा आपका, सिर्फ सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियो को लाइक करना। अगर आप अपने कीमती समय से थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरी वीडियो देखते हो ना तो यार दिल से थैंक्स है राज का आपसे। तो गाइज आकृति को वेरी गुड बेटा। तो गाइज आकृति को बहुत शौक है कलर का, पेंटिंग का। सुबह से अक्षत की भी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा उसको बुखार सा था तो उसको दवाई दी है, रेस्ट कर रहा है बाबू। गाइज बस ऐसे ही जो कुछ हमारे परिवार में होता रहता है मैं आपको दिखाता रहता हूँ और यही हमारे फैमिली ब्लॉग है। और गाइज अक्षत का गला भी थोड़ा खराब है ना, हाँ पापा का भी गला खराब है। हाँ अभी अक्षत को मेडिकल चाहिए। सामान वगैरह ले लिया है और हम जा रहे हैं घर। चले बाबू पाँच दिन हो गए। क्या निकलने जा रहे हैं? सरप्राइज है, मम्मा ने कुछ बनाया है। बबू तो नहीं आ रही। तो गाइस देखते हैं। तो गाइस नींबू तुम्हारे पता नहीं कैसे बने होंगे यार। वन टू देखो सब आए, देखो दिखाओ सबको सब आएगा सरप्राइज। अब चलो वन टू थ्री स्टार्ट। कच्चे से पक रहे हैं लेकिन अभी इतने पके नहीं हैं। क्या ही है जो थोड़ा सा रेड स्टार्ट हुआ है, बाकी सब ऐसे ही है। क्या है ये? इनको टाइम लगेगा। हाँ रख दो क्योंकि आपने बहुत जल्दी। क्या है ये? मैं वो तो बताऊं।
सो गाइस यहाँ पे चल रही है बच्चों की रीडिंग वगैरह और पढ़ाई चल रही है, और बस इसी के साथ आज के ब्लॉग को कर देंगे यहीं पे एंड। आपको मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय बाय।